हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे आज आपके आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। रेंडम रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें। जबरदस्ती रीडिंग को खुद पर ना थोपें। बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हर कहानी में अपनी कहानी ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, हर कहानी आपके लिए नहीं बनी हुई है, ठीक है? चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सुनील शर्मा जी, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो देखिए थोड़ा सा जो है आपके लिए एक मैसेज आया है। द एम्परर, आपने अपनी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो बहुत ही हार्ड वर्क करके बड़े स्ट्रगल के साथ अर्न की हैं। थोड़ा सा उन चीजों का आपको घमंड भी बोल सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा ईगो है उस चीज का, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने पैटर्न्स को चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने एनवायरमेंट को चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है कि शायद आपके नियर अबाउट का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में चीजें उतनी अच्छी नहीं रह रही हैं। आपको थोड़ा सा चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। तो आपके लाइफ में जो इतनी उथल पुथल मची है वो चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। थोड़ा अपने आसपास देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। आपके नियर अबाउट कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से मैनिपुलेटिव हैं, इस तरह से आपको चीजों को लेकर के आपके डिसीजन नहीं लेने देते हैं, या फिर शायद आपकी चीजों को जो है कहीं और टर्न कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह के लोगों से आपको कॉन्शियस रहना है, ठीक है? चलिए अब हम कुछ लोगों को थैंक यू बोल लेते हैं जिन्होंने मुझे डोनेशन किया है, मुझे डोनेट करने के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके, परमिला मल्लिक जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे साथ रीडिंग्स बुक की हैं। तो ओके, देखिए आपके लिए कोई कार्मिक चैप्टर है जो कि खत्म होने वाला है। कोई चीजें ऐसी जो कि आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से गोल 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 घूम रही थी और आपको भी गोल 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 घुमा रही थी, तो वो सिचुएशन अब खत्म होने वाली है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। उषा अग्रवाल जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने भी मेरे साथ रीडिंग बुक की है। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके ओके, देखिए आपके लिए कोई एक लेडी आई है जो कि थर्ड पार्टी का काम कर रही है, और ये जो भी लेडी है ये आपकी लाइफ में चीजों को खराब करने की कोशिश कर रही है लगातार। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए इनसे, ठीक है? ओके, ये आपके लाइफ में ना चीजों को खत्म कर देना चाहते हैं। देखो इधर से डेवल भी झांक रहा है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए अपने आसपास के लोगों से, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, तो ये लोग थे जिन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती थी। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े से रह जाते हैं, वो पर्सनल रीडिंग वाले हो सकते हैं, मैं सबका नाम मेंशन नहीं कर सकते वरना रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो जो लोग जो डोनेशन और थैंक यू सुपर थैंक्स भेजते हैं या डोनेशन भेजते हैं, उन लोगों को मैं कोई ना कोई मैसेज जरूर भेजती हूँ, ठीक है? तो आज इतने ही लोग थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल रीडिंग अपनी, कि आपके लिए क्या मैसेज है आज और आपको किन किन जगहों पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है या थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में नया अब ऐसा क्या होने वाला है जहां पे थोड़ा सा आपको डिसीजन अपना वाइसली लेना है, ठीक है? चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर भी करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी रीडिंग्स मिल सके। और जो लोग को जरूरी है जानना अपने बारे में उनको भी मेरी रीडिंग्स मिल सके। चलिए ओके, एक मैसेज आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है ईश्वर का, कोई धन आ रहा है कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई पैसा कहीं ना कहीं से आपके लिए आ रहा है, ठीक है? बेसिकली पैसा आपके पास आ रहा है कहीं ना कहीं से, ईश्वर आपको दे रहे हैं। एक मैसेज और आ गया है, दी हायरोफेंट केस। तो देख, ओह माय गुडनेस, एक और मैसेज आ गया है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए यहाँ पर ना कोई
चालाकी भी करने की कोशिश करेगा। आपको ना वाइसली चीजों को लेने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है ना, तो बहुत से ऐसे गलत लोग भी आपके आसपास आकर टिक जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है कोई एक थर्ड सोर्स ऑफ इनकम आपके लाइफ में आएगा, जहां पर आप किसी तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना। जहां पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या अपना जो भी पार्टनर चूज करते हैं, या कोई नया बिजनेस आप शुरू करने वाले हो सकते हैं, या कोई नई चीज भी आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जहां पर भी आप पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। थोड़ा सा सतर्क होकर के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको निराशा जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो कि बिल्कुल भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। मतलब काइंड ऑफ आपको इक्वल गिव एंड टेकिंग नहीं मिलेगी। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने अपना शेयर बहुत अच्छे से दिया है, बट ये सामने वाला पर्सन जो है आपको आपके हिस्से का दे नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पर कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, या कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली ये ना किसी कोई बिजनेस या कोई कोई पार्टनरशिप या कुछ ना कुछ ऐसा आया है, जिसमें आप जो भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, आप अपनी लाइफ में कोई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें यानी कि ऑलरेडी आपके पास एक या दो सोर्स ऑफ इनकम है, और कोई तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं आप, और आप उस चीज में किसी के साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई ना कोई आपका पार्टनर जरूर होगा। तो जिसको भी चूज कर रहे हैं, बहुत ही वाइसली चूज कीजिएगा। अपने एग्रीमेंट्स जो हैं, बहुत अपने डीड्स जो हैं, बहुत सोच समझकर बनाइएगा, सो दैट कि आपको जो है लाइफ में दुख का या किसी तरह की निराशा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे निराशा जैसी चीजें दिखती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, आप अकेले बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अकेले भी अपने लिए बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, तो आप अकेले भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, और क्योंकि ये जो भी पर्सन है, यहाँ पर आपके पैसे के रुकने की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। यानी कि यहाँ पर आपका पैसा आपके आपके आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के बारे में। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए। किसी के साथ पैसा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको कोई किसी रिश्ते में बांधने की भी कोशिश करेगा, यानी कि किसी तरह से ना आप ब्लॉक हो जाओगे। यहाँ पे कोई बहुत स्मार्टली प्ले करेगा आपके साथ, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है। और ये सभी चीजें, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपका जो आगे का जो डेस्टिनेशन है ना, वो बहुत भयानक सा होने वाला है। देखिए, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, मतलब ये चीजें इतनी बुरी तरह से खराब होंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपनी चीजों को कॉन्शियस होकर के लें, और अगर आप दूसरों को इन्वॉल्व ना करें, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और आपके पास पैसा भी बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आप किसी के साथ पैसा इन्वेस्ट करने का कहीं पर प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज पैसा वहां पर इन्वेस्ट मत कीजिए। या फिर कोई, अगर कोई मेल या फीमेल है, तो ये पर्सन जो भी है आपके पास अगर आ रहा है, तो पैसा बनाने के लिए आ रहा है। बेसिकली इसको इमोशनली आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो है किसी रिश्ते में बांधेगा, और उसके बाद सोच रहा है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लेना, क्योंकि ये बंदा जो है आपको बेवकूफ बनाने आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर ना आपके पास बहुत से लोग आने वाले हैं, आप क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत से लोग आने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने कहा था, जो कि मैंने कहा था, द लवर्स की एनर्जी आई है। कोई मेल या फीमेल भी हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, टू ऑफ कप्स भी झांक रहा है। कोई मेल और फीमेल हो सकते हैं आप लोग, जहां पर ये एनर्जी आई है। यानी कि ये जो भी बंदा है आपके पास आएगा, तो पैसे के लिए आएगा, वरना किसी और चीज के लिए नहीं आएगा। चलिए,
थोड़े सा आपके आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में देख लेते हैं, क्या है? हाँ 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 देखिए, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी आएगी, यानी कि आपको जो है थोड़ा सा अपने ना डिसीजंस को कंट्रोल करने की थोड़ी सी जरूरत है। अपनी इनर वॉइस को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी क्योंकि आपके लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो कि पॉजिटिव चेंज की ओर बढ़ रही हैं। पॉजिटिव चेंज आपके लिए है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़कर उस पॉजिटिव चेंज में अपने लिए भी कुछ अच्छा बना लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के सोचिएगा, ठीक है? इनर वॉइस का कार्ड है चेंज। आपकी लाइफ में एक टोटल चेंज आ रहा है, यानी कि समय का पहिया जो है ना बदलने वाला है आपके लिए, आपके लिए बदलने वाला है। और इस चीज का अंदाजा दूसरों ने लगा लिया है कि समय आपके लिए बदल रहा है। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी आई है, यानी कि कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपके जीवन में आने वाली है। ये देखो, ये कोई ऐसी सक्सेस है जो कि शेर पे सवार होते आप जो है, देखो ये पृथ्वी के ऊपर चल रहा है, यानी कि पॉसिबल है कि ये जो सक्सेस आपके जीवन में आने वाली है ये बहुत दूर दूर तक जाएगी। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो सक्सेस है आपकी अदर कंट्रीज में भी जाएगी, यानी कि ये पॉसिबल है आप बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं अपने काम के लिए। और ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन में अपने किसी काम को लेकर, या हो सकता है अपने सभी कामों को लेकर आप दूसरी कंट्रीज के साथ भी काम कर सकते हैं। और आपका नेम और फेम ना बहुत बढ़ने वाला है, यानी कि आपको फेम सक्सेस के साथ फेम भी मिलने वाला है। पैसा तो आ ही रहा है आपके लिए, आपके पास फेम भी आ रहा है, और ये बहुत दूर दूर तक फैलेगा, यानी कि सिर्फ एक देश में नहीं जाएगा, ये बहुत से देशों में जाएगा। और मुझे ये वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे एशिया की बहुत सी कंट्रीज हैं, तो पॉसिबल है कि आप बहुत सारे, यानी कि देखो बहुत सीधा सा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में कोई जो है बहुत अच्छी सक्सेस आपके सामने आ रही है, या कुछ ना कुछ आपके पास आएगा जिसमें आप बहुत आगे तक बढ़ोगे। यहाँ पर ना लोग आपको ऑफर देने के लिए आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके नॉन होंगे, जो आपको बेफजूल के ऑफर देने आएंगे, कि आपके साथ रिश्तों को मैनिपुलेट करने आएंगे और आपके साथ अच्छे बनने के लिए आएंगे। आप जिन्हें जानते होंगे और आपको अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती हैं उनके साथ, तो आपने उनके साथ आगे प्रोसीड नहीं करना, क्योंकि सक्सेस और पैसा आपके लिए आ रहा है, आपके पास आ रहा है, वो सिर्फ आपके लिए है। बट यहाँ पर कोई जो है उसे अपने लिए भी ड्रैग कर लेना चाहता है। तो ये जो भी पर्सन है आप इसे जानते होंगे, आपके लाइफ में कोई 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 आ रहा है, एक भी हो सकता है या एक दो लोग और हो सकते हैं। बट ये जो बंदा है ना सिर्फ आपकी सक्सेस को देखकर, आपके पैसे को देखकर आपके पास आएगा, यानी यहाँ किसी तरह का कोई ना कोई जुड़ाव आ रहा है। थोड़ा कॉन्स्टेंट होकर के चलिएगा। पास्ट लाइव्स, यानी कि आप अगर पिछले जो कर्म हैं आपके उनको अगर आप कट ऑफ कर देते हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और ये जो सक्सेस है ना ये आपको तब मिलेगी अगर आप अपने कार्मिक लोगों का साथ नहीं छोड़ते। यानी कि ये बंदा पक्का कोई पास्ट से है जो आपकी लाइफ में आएगा और किसी ना किसी चीज में आपको या तो देखो पार्टनरशिप ऑफर करेगा, या फिर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको भी इन्वॉल्व करेगा। ये इन्वेस्टमेंट पर्सनल भी हो सकती है और प्रोफेशनल भी हो सकती है। पर्सनल होगी तो पक्का वो लोग, बंदा जो भी है, कोई मेल फीमेल हो सकते हैं, लव अफेयर का ऑफर देगा, रिलेशनशिप का, कमिटमेंट, कोई शादी जैसी चीज हो सकती है। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो कोई दोस्त हो सकता है आपका, जिसके साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये बंदा जो भी आएगा तो आपके पास केवल आपके सक्सेस को देख कर आएगा, इसको कोई इमोशनल टच नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है इसको। इस बंदे के साथ आपके कार्मिक कनेक्शंस थे,
कट ऑफ कर दीजिएगा सीधा सीधा, ठीक है, कट ऑफ कर दीजिएगा ये जो भी पर्सन है इसको सीधा सीधा अपने लाइफ से, तभी आपके लाइफ में ये इतनी बड़ी सक्सेस और पैसा आएगा, नहीं तो ये इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान देना है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा आपको सेल्फिश होने की जरूरत है, पास्ट में नहीं जाना है आपको, पास्ट में क्लिंगिंग होकर नहीं देखना है। ठीक है, चलिए थोड़े से इस बैक में भी मैसेजेस ले लेते हैं। या ओके, तो देखिए एक कार्ड आ गया है, ठीक धर्म, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपका जो समय है ना टोटली चेंज होने वाला है, आपके लाइफ में बहुत सा अच्छा समय आने वाला है, यानी कि पूरी लाइफ बदलने वाली है आपकी। आपने अभी तक अगर आपका समय थोड़ा सा ठीक हुआ है तो ये टोटली चेंज होने वाला है, बहुत ज्यादा सक्सेस आने वाली है आपके लिए, बहुत ज्यादा चीजें बदलने वाली हैं ओवरऑल आपके लिए। यानी कि यहाँ पे वो लोग भी आपके साथ जो है अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने आपको तब प्रियोरिटी नहीं दी जब आप स्ट्रगलिंग थे या फिर आप अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे। ये आना चाहता है कार्ड, तारा, तारा माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपको वो आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी जबरदस्त भयानक कोई बहुत बड़ी भयानक अपॉर्चुनिटी दे रही है जो आपके जीवन में ना सारे रास्तों को खोल देगी। तो यहाँ पर कुछ तो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दी एम्परर यानी कि पुरुष का कार्ड आ रहा है जो कि आपके जीवन में आपको एक पोजीशन पर, एक अपग्रेड पोजीशन पर लाके रख देगा जहाँ पे लोग आपके आगे झुकेंगे। यानी कि पॉसिबल है कि आप कुछ ऐसा कुछ अचीव करने वाले हैं जहाँ पर लोग ना आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे और आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। अपना जो भी आप कर रहे हैं उस चीज में ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास जो कि आपको अपग्रेड कर देगी आपकी लाइफ में। विदुषक, आपने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दिया जो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ईश्वर को सरेंडर करके आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। अब आपके जीवन में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होगा, यानी कि अगर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को मेंटेन कर लिया जाए और अब आपके अच्छे समय में प्रवेश किया जाए तो ये बहुत ही गलत चीज होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो है जस्टिस पीछे से झांक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जस्टिस झांक रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके लाइफ में आपको जिस चीज को हासिल करने में आपको बहुत लंबा समय लगा था वो चीज आपके जीवन में अब सडन अपियर हो रही है। दरअसल यानी कि अब कृष्ण जो है अपना रथ लेकर आ गए हैं, अब आपके जीवन में चीजें, आप बहुत सी ऐसी चीजें होते हुए देखेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं और जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर आपके लिए इतना कुछ करेंगे। यहाँ पे टोटली चीजें जो है ना आप बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी, सडन होंगी और अपने आप होंगी, और जो कुछ भी चीजें होंगी वो अपने मर्जी से और अपने आप आप होंगी, आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते अगर चीजें खराब हैं तो। ठीक है, अगर चीजें खराब हैं तो आप लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, ईश्वर खुद करेंगे। और वो अपना रथ लेकर आ गए हैं और अब जो आपके हिस्से का था, जो आपको मिलने से रोका जा रहा था या आपको दिया नहीं जा रहा था, तो वो चीजें आपको अब मिलेंगी। और आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी पावर है, उसमें शायद आपको ना रहने नहीं दिया जा रहा था, तो अगर आपकी पोजीशन और आपकी पावर को यहाँ पर रहने ही नहीं दिया जा रहा था तो ईश्वर अब आपको आपकी पावर दे रहे हैं और आपकी पोजीशन पर वो आपको बिठा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी आई।
चलिए एंजल्स के तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई रिफ्लेक्ट ऑन माय थॉट्स एंड एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम देम। तो आप जो हैं अपने थॉट्स को अपने एक्शंस में लेकर आइए और उनसे सीखिए, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होंगी, आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे लेकिन कर नहीं रहे होंगे। तो अगर आप बहुत सी चीजें सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो आपको यहाँ पे करने की जरूरत है, आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे अपना अपने जो थॉट्स हैं उनको रियलिटी में लाने की जरूरत है। यानी कि आपके पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं लेकिन शायद आप कतरा रहे हैं चीजों को आगे बढ़ाने से और करने से। थोड़ा सा इन चीजों से कतराना बंद कीजिए और देखिए कि चीजें कितनी बेहतरीन हो जाती हैं आपके लिए। अपने सपनों को पूरा कीजिए बेसिकली। ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्म विद ओपन आर्म। तो आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल हो ही चुका है आपका, और आपको जो है अब वेलकम करना है अपने लाइफ में आने वाले चेंजेस को। यानी कि आपके जीवन में जो चेंज आ रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है, इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए आपका ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए किया गया था ताकि आप जो आने वाली सक्सेस है उसको हैंडल कर सकें। सेल्फ केयर, तो यहाँ पर आपको जो है अपनी देखभाल करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है देखिए आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो गए हो, हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया हो आपने, ये बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है। तो थोड़ा सा अपनी केयर कीजिए, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग जो जलने वाले हैं वो नेगेटिविटी भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे आप पर। तो आपको अपनी बॉडी को, माइंड को और अपने स्पिरिट को अलाइन करना है और चीजों को एक अलग सिरे से देखना है। ठीक है, आपको अलग सिरे से चीजों को देखना है ताकि आप जो है खुद को, खुद के बारे में सोच सकें और अपने अपने बारे में चीजों, अपने बेसिकली अपने आप पर विश्वास कर सकें। ठीक है, आपको थोड़ा सा खुद पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। शायद आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ गई होगी या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भलाई और आपके बहुत बड़े चेंज और बहुत बड़ी सक्सेस के लिए दिया गया था, उस चीज के लिए आप दिल से तैयार रहे क्योंकि लाइफ में कुछ तो बदलने वाला है आपकी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ये चेंज जो है आपके लाइफ में कितने समय में आने वाला है, कितना टाइम लग जाएगा इस चेंज को आपके लाइफ में आने में। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया है एक, व्हेन द हीलिंग हैपेंस, यानी कि आपकी जब हीलिंग हो चुकी होगी तब। और दूसरा आपका जो मैसेज आया है वो है लाइकली, वेरी लाइकली सून, यानी कि बहुत ही जल्दी आपके जीवन में ये जो चेंज है जो बहुत बड़ा ये होने वाला है, बहुत ही जल्दी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। वेरी लाइकली सून, बहुत ही जल्दी, तभी भी हो सकता है ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में होगा, जो कि मेरा प्रेडिक्शन है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। चलिए ईश्वर को कोई मैसेज ले लेते हैं। इट इज समथिंग यू वॉन्ट फॉरगेट, ये कुछ ऐसा है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ये कुछ ऐसा है आपके जीवन में जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मतलब आपकी लाइफ में ना टोटली चीजों को चेंज कर देगा ये। तब कभी होता है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन जहां से हमने जरा भी उम्मीद नहीं की होती। ओके, देखो यहाँ से एंजल कार्ड्स में से द न्यू बिगनिंग भी झांक रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ी नई शुरुआत आपके जीवन में आने वाली है। आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो आपको न्यू बिगनिंग और न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करना है। ठीक है, चलिए थोड़े से मैसेजेस चैनल डेक में से भी ले लेते हैं। एक मैसेज आ गया है, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। डोर्स आर ओपनिंग, द वेट वॉज नॉट पनिशमेंट, इट वॉज अ प्रिपरेशन। तो जो रास्ते हैं आपके जीवन के, ये दरवाजे जो आपके लिए बंद हो गए थे वो खुल रहे हैं अब। ये जो इंतजार था आपका, ये पनिशमेंट नहीं थी, ये प्रिपरेशन थी आपकी किसी चीज के लिए या बहुत बड़ी सक्सेस के लिए। आपके पास एक विश है, आप चाहें तो कुछ मांग सकते हैं ईश्वर से। चलिए थोड़े से मैसेजेस
इसमें से ले लेते हैं। कर्मा सेज एवरीथिंग स्टार्ट हीलिंग व्हेन यू स्टॉप फीलिंग। देखिए हर चीज हील होना तब स्टार्ट हो जाती है जब आप अननेसेसरी लोगों की बातों को सुनना, समझना और दिल में उतारना बंद कर देते हैं। यानी कि अगर आप हर इंसान की बात को दिल पे ले लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत सी चीजों को लेकर, तब आप हील नहीं हो पाते। हील होते हैं आप तब जब आप चीजों को दिल पर लेना बंद कर देते हैं। तो हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए और हर किसी की सुनना भी बंद कीजिए, ठीक है? जब आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं दूसरे लोगों को, तो फिर आपको उनको बातें चुभने लगती हैं और आप हील नहीं हो पाते, ठीक है? चलिए, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल वेरी सून। तो आप अपनी लाइफ में कोई बहुत ही स्पेशल चीज है जिसे बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ चीज जो बहुत स्पेशल है आपके लिए। गॉड इज विद इन यू, यू विल नॉट फेल। तो ईश्वर आपके भीतर हैं, आपको कभी फेल नहीं होने देंगे। आप बहुत ज्यादा विश्वासी हो सकते हैं, देखिए, या फिर और कुछ चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, डू मेडिटेशन प्लीज। रिलैक्स, योर लव ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो आपको कहा जा रहा है धैर्य, आपको प्यार आपका है, आपकी सभी चीजें आपकी हैं, हर एक चीज जो है आपके फेवर में की जा रही है। आपको थोड़ा सा बस पेशेंटली चलने की जरूरत है। हर चीज आपके फेवर में कर दी गई है, शेड्यूल कर दी गई। ब्रेकिंग न्यूज, यू आर अबाउट टू गेट अ बिग लॉटरी विन। तो आप, मैंने कहा था ना कि कहीं से आपके पास पैसा आने वाला है, तो यू आर गोइंग टू विन अ बिग लॉटरी। तो यानी कि आपके जीवन में कहीं से तो कोई पैसा आ रहा है। देखो, कोई लॉटरी भी हो सकती है, कोई लॉटरी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं से सडन आपके पास पैसा आएगा, बहुत हैवीली आएगा, ठीक है? बहुत हैवीली आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, दिस विल बी द हैप्पीएस्ट यू हैव एवर बीन। तो आप अपने जीवन के सबसे पावरफुल चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं, ये आपके लाइफ का सबसे खूबसूरत लम्हा होगा, ठीक है? चलिए, थोड़ा यहाँ से लूँगी। स्टे वेयर योर प्रेजेंस इज वैल्यूड। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वहां रहने की जरूरत है जहां पर आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू हो। अगर आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। उन लोगों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। यू विल बी द फर्स्ट मल्टी मिलियनेयर इन योर फैमिली। तो आप अपने घर में, अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा धन अर्जित करने वाले इंसान होंगे, सबसे ज्यादा पैसा आप कमाएंगे अपनी फैमिली में। नो वन कैन स्टॉप यू, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। तो अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। आप शायद बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर लिया होगा आपने, या बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे आप। योर ब्रोक डेज आर ओवर। तो देखो, आपके जो बुरे दिन थे ना, जिन्होंने आपको संघर्ष दिखाया और बुरा समय, वो अब खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है? चलिए, तो आज ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती हैं, और किसी नए टॉपिक पर अगर आपको रीडिंग चाहिए हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। सेकंड चीज की एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, 2 नवंबर से मेरा एक एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए और सीट बुक करवा लीजिए अपने लिए। एडवांस कोर्स की सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी, आपको मेल पर मिल जाएंगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, जल्दी से जल्दी इनरोल करवा के अपने लिए सीट बुक करवा सकते हैं। मैं बीच में एडमिशंस नहीं लेती हूँ, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अपने लिए बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।